दिन जा रहे हैं कहाँ तक? दार्जिलिंग राइडर्स मीट वेनस का दिन ये थोड़ा आपको मैं रास्ता का भी व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए बिना जैकेट पहन के आए तब आपको मालूम पड़ जाएगा, खुद फील कीजिए तो दिया हुआ है। तो ये नीचे जाएंगे आप तो सीधा पहुंच जाएंगे आप। तो चले यहाँ से ऊपर चलते हैं। डॉगी भोगता हुआ गाइस अपने राइट की ओर पहुंच गए गाइस हम। सो ये रास्ता भड़क हूँ। नमस्कार छोटे को प्यार और दोस्तों को हाय हेलो और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दार्जिलिंग सूरज राइडर। आज आपका भाई जा रहा है दार्जिलिंग की ओर, लेकिन आज का राइड होगा सभी राइडर्स के लिए जो DRM आ रहा है उन लोग के लिए। और आज हम राइड करने जा रहे हैं कहाँ तक? दार्जिलिंग राइडर्स मीट वेन्यू तक। सो आप लोग अगर सिलगढ़ी होते होते आएंगे तो अभी मैं हूँ सुखना रोड पे। सो वहाँ से आपको मैं DRM वेन्यू तक का ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। सो एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दार्जिलिंग गाइस। सो मिलते हैं DRM में। सो तब तक आप लोग मेरा वीडियो देख के रास्ता आराम। सो गाइस अभी हम हैं सुखना। सो सीधा जाएंगे तो तिंदारे, तो तिंदारे का रास्ता भी आप आ सकते हैं। सो जो NH 55 है वो रास्ता वो पड़ता है तिंदारे का, और हम जाएंगे बढ़िया वाला रास्ता यहाँ से होते हुए अपना लेफ्ट हैंड साइड दार्जिलिंग के लिए, जो ये रास्ता आपको पंखाबरी भी कनेक्ट करता है, रोहिणी भी कनेक्ट करता है। सो गाइस जब आप ये रास्ता आएंगे चारों तरफ हरियाली हरियाली मिल जाएगा आपको। और अभी हम है सुखना रोड टूवर्ड दार्जिलिंग। तो चलिए गाइस चलते हैं घूमते घूमते एंजॉय करते हुए आज का राइड आपका भाई दार्जिलिंग सूरज राइडर के साथ। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं सुखना क्रॉस करके तिमुलबाड़ी, और आर्मी एरिया था इसलिए ब्लॉक नहीं किए, क्योंकि देश का सेफ्टी भी ख्याल करना पड़ता है। तो अभी हमें तिमुलबाड़ी आगे बढ़ते हुए गाइस, और रास्ता बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, और जाएंगे आज DRM वेन्यू की ओर। दिस इज द लैंडमार्क, यह है कोविड टेस्ट सेंटर, और यहाँ पे पहले जब कोविड टाइम था तब चेक होता था। हमको जाना अपना राइड इन साइड, जो वो गाड़ी जा रहा है वहाँ से, और ये रास्ता है रोहिणी का रास्ता। तो दिस इज रोहिणी का रास्ता, ये देखिए ये जो गाड़ी आ रहा है ये रोहिणी से आ रहा है, हम भी रोहिणी। सो अगर आप सीधा जाते तो पंखाबारी होते हुए आप कोशंगी निकल जाते तब भी। सो दिस इज रोहिणी रोड। सो हम जा रहे हैं रोहिणी रोड होते हुए, और ये रास्ता में थोड़ा आपको क्या ख्याल करना है, ये एकदम ही शॉर्ट रूट है, लेकिन यहाँ पे अभी रेनी सीजन अभी अभी ख़त्म हुआ है यहाँ का, तो पोर्ट होल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे गाइस। तो वो देख के आराम से चलिएगा, क्योंकि पोर्ट होल्स प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। सो यहाँ पे रोहिणी पे आप सिर्फ पोर्ट होल्स याद करके चलना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए सुहाना दिन, वाह क्या ब्यूटीफुल वेदर खुलता हुआ, वाह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा है आज। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ से वो ऊपर जो दिख रहा है वो है क्वेश्चन। चलिए गाइस। सो गाइस पहुँचने वाले हैं हम द ओनली टोल गेट दार्जिलिंग के लिए, रोहिणी टोल गेट थोड़ा आगे में, और वेदर आज बहुत ही अच्छा है। और आज हम क्यों जा रहे हैं, DRM का वेन्यू भी क्लिक करना है, और कल से आपका भाई का स्कूल भी है, सो आप तो जाना ही था, तो नहीं होगा आपका भाई का। ये देखिए पोर्टल्स कितना बड़ा बड़ा है, तो आराम से चलने का गाइस यहाँ पे। सो वेलकम टू दार्जिलिंग डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। तो गाइस
रोहिणी का रास्ता बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि रोड है सिंकिंग, और आराम से चलने का गाइस, आराम से, क्योंकि बोथ साइड गाड़ी चलता है रोहिणी पे, तो आराम से चलने का गाइस। सो गाइस अभी पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल्स, जो है यहाँ का व्यू पॉइंट। सो आप थोड़ा देर यहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, लंच वगैरह, और थोड़ा यहाँ का वाटरफॉल्स भी देख सकते हैं। गाइस यहाँ से देखिए ब्यूटी ऑफ दार्जिलिंग। अब रोहिणी है अभी हम, और आज दिन बहुत ही ब्यूटीफुल खुला हुआ है, सो इसलिए थोड़ा आपको मैं रास्ता का भी व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गियर चेंज कर दिया गाइस, देखिए कितना ऊपर है, ऊपर 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 ऊपर, नीचे नीचे ऊपर गाइस, आगे बस जाता हुआ NBST से, पीछे आपका भाई, देखिए नीचे व्यू। सो गाइस पहुंच चुके हम आइल ऑफ कोशिंग, वो जो गाड़ी रखा है वहाँ पे आइल ऑफ कोशिंग, आप फोटो वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम जाएंगे सीधा ऊपर 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 ऊपर, देखिए दार्जिलिंग के लिए यहीं से व्यू। सो दिस इज द स्टार्टिंग गाइस। सो अभी हम पहुंचने वाले कर्शंग, रास्ता देखिए ऊपर गाड़ियों आते हुए, ट्रक आते हुए, और ये ब्यूटी देखने के लिए सभी लोग आते हैं, और मेन चीज देखने के लिए क्या आते हैं, कंचनजंगा। तो गाइस देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, अभी यहाँ से आपको व्यू दिख रहा है नीचे का, बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत। तो एक क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, क्वेश्चन टावर, ऑलमोस्ट पहुँच गए हम क्वेश्चन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेलकम टू क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन 1 किलोमीटर 2.9 16 जोरबंगा 25 घूम 26 दार्जिलिंग 33। सो यहाँ से सिर्फ दार्जिलिंग 33 किलोमीटर दूर। सो आपको पता चल चुका होगा कि रास्ता कैसा है यहाँ का गाइस। सो दिस इज द ब्यूटीफुल रोड ऑफ कोशिंग। अभी मैं रोहिणी क्रॉस करके आगे पहुँच चुके हैं गाइस, पहुँच चुके हम कोशिंग, और एग्जैक्टली ये कोशिंग थोड़ा जाम है क्वेश्चन पे, तो आगे तो गुड मॉर्निंग हो रहा है अभी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन, तो जो ये गाड़ी के पीछे जाना पड़ेगा हमको भी दार्जिलिंग के लिए, गड्ढा में घुस गया गाइस। तो दिस इज अ क्वेश्चन। सो नीचे से जाएंगे आप पहुँच जाएंगे पंखा बारी। तो गाइस आगे देखिए कंचनजंगा, वाओ माउंटेन बहुत ही सुंदर, और हम क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं गाइस आगे बढ़ते हुए। गाइस आते वक्त बिना जैकेट पहन के आए थे हम, और यहाँ से हल्का ठंडी हवा आना शुरू हो गया गाइस, जो छूते ही बोलता है, क्या क्या बताएं गाइस, जब आपको पड़ेगा ना तब आपको मालूम पड़ जाएगा, खुद फील कीजिए माउंटेन का हवा, स्वच्छ नेचर को फील कीजिए गाइस। तो गाइस पहुंच चुके हम टुंग, और यह है टुंग रेलवे स्टेशन। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा जैम, और मे बी गाड़ी गाड़ी डैशिंग हो गया दोनों का। भैया एक्सक्यूज मी दादा, अरे निष्कंचन। सो यह है गाड़ी को दे दिया,
वो गाड़ी ने. सो दिस सो गाइस टॉय ट्रेन ब्यूटीफुल गाइस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं आपका भाई सोनादा. और सोनादा से थोड़ा आगे हमको जाना है रंगुल की ओर, और रंगुल फाटक से नीचे DRM राइडर्स मीट का वेन्यू की ओर जाएंगे. सोनादा और ये सोनादा बाजार, और आगे है सोनादा रेलवे स्टेशन. सो जो आगे दिख रहा है वो है सोनादा रेलवे स्टेशन. ब्यूटीफुल सोनादा गुम्पा मोनेस्ट्री यहाँ पे ऊपर. सो गाइस पहुंच चुके हम रंगुल, और वो जो गाड़ी आ रहा है सफ़ेद वहाँ से फाटक. सो गाइस ये लोकेशन याद रखिएगा आपको ताकि इजी हो जाए. है सो आपको दिखा देंगे थोड़ा. सो ये रंगुल, और वो जो गाड़ी के नीचे रास्ता जाता है वहाँ से हमारा DRM का मेन वेन्यू जाते हैं. सो सीधा जाएंगे दार्जिलिंग. सो यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा हमको. फाटक, फाटक के नीचे थोड़ा नीचे यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके सीधा ये नीचे आपको आके जाना पड़ेगा DRM वेन्यू के लिए. सो गाइस हम नीचे चल दिए DRM वेन्यू की ओर, और रास्ता ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर रास्ता है यहाँ का, लेकिन नीचे बहुत नीचे है गाइस. और ये जगह हेलीपैड बोलते हैं थोड़ा आगे से, तो हेलीपैड जा रहे हैं गाइस अभी हम. सो ये रास्ता थोड़ा नीचे जाते हुए अभी हम हेलीपैड की ओर, और रास्ता बहुत नीचे है. सो मज़ा आएगा गाइस आपको जब वेन्यू देखेंगे ना आप, तब आपको पता चलेगा कि जगह कैसे चुना है दार्जिलिंग एनफील्डर्स ने. सो चलिए चलते हैं नीचे. देखिए ब्यूटी, वाओ क्या बताएं आपको गाइस, ब्यूटी बताए नहीं जा सकते. थोड़ा सा रास्ता बिगड़ गया यहाँ का, थोड़ा सा गड्ढा. और गाइस यही रास्ते से आप जा सकते हैं मिलिंग, और आपको बताएंगे मिलिंग कहाँ से जाते हैं और हेलीपैड कहाँ से जाते हैं. मिलिंग में रिसोर्ट है, उसका मैं लिंक मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मिलिंग का वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे आप AGM मीटिंग हुआ था वहाँ पे. सो गाइस वो दिख रहा है जो, वो है वेन्यू. चलिए चलते हैं वहाँ पे. सो आगे का रास्ता था कॉलेज वैली जाने वाला रास्ता. सो सीधा आपको नीचे आना है फिर. ओके गाइस हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनी की ओर, और यहाँ है लिखा हुआ स्कूल, और सामने 16 acre आलेटार एरो दिया हुआ है. सो ये नीचे जाएंगे आप तो सीधा पहुंच जाएंगे आप मिलिंग, और हमको जाना है यहाँ से ऊपर. सो चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं. सो डॉगी भोंकता हुआ गाइस, भोंकता हुआ, और पहुंच गए आपका भाई अपने राइट की ओर. सो ऑलमोस्ट पहुंच गए गाइस. गाइस
ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पहुंच गए हम, आलेटार हेलीपैड, और यहीं पे होगा हमारा दार्जिलिंग राइडर्स मीट। देखिए जगह कैसा है, ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और वहाँ पे बन रहा है स्टेज वगैरह, सो ऊपर भी है, सो हम जाएंगे थोड़ा ऊपर ताकि ऊपर से हल्का वीडियो ले सके। देखिए ब्यूटीफुल 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 नज़ारा नज़ारा, वाओ गाइस, देखिए सुंदर। सो गाइस ये है DRM, जहाँ पे DRM होगा। सो दिस इज द स्टेज, और ये हमारा स्टेज है, बन रहा है। और देखिए यहाँ से नज़ारा दिखे गाइस, सुबह बहुत बढ़िया दिखेगा ऐसे नज़ारा। सो जहाँ तक दिखेंगे आपको व्यू पॉइंट ही व्यू पॉइंट, जाओ भव्य रूप से प्रोग्राम होगा। सो चलिए दिखाते हैं आपको DRM। सो देखिए कितना दूर तक है। सो हम ऊपर आए हैं, सो इसीलिए आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। वो कुछ दिन पहले यहाँ पे हेलीपैड कार्निवल ऑर्गेनाइज हुआ था, इसीलिए उसका काम हो रहा है उसके बाद। सो वहाँ पे हमारा स्टेज बन रहा है। सो व्यू देखिए, आगे का नज़ारा दिखे गाइस, कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। लो गाइस, हामी चाहिँ भेनुमा पुगिसक्यौँ है। भेनुमा हामी चाहिँ काम गर्दैछौँ मजाले। सबैलाई हामी DRM भेनु पुगिसके र आजको लागि यति नै। सो स्टे ट्युन विथ दार्जिलिङ सुरज राइडर। सो आई विल बी कमिङ अप विथ मोर ब्लग्स from 4th, 5th and 6th November. We'll be having our Darjeeling Riders Meet for the first time in Aletar Helipad. So stay tuned until my next vlog. Tada, bye-bye.